चलो शबीर भाई इसकी करो फिर अनबॉक्सिंग। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई की ग्रेट। शबीर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। शबीर भाई ये फिर क्या दिखाएं, क्या मसला बना है डब्बे का? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। तो वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो आज है माशाल्लाह जुमे का दिन और आप सब लोगों को जुमा मुबारक। तो अभी अभी मैंने भी शावर लिया है, अभी कंघी शंघी करनी है। जुमे में टाइम रह चुका है जी, एक बज चुका है, डेढ़ बजे जुमा है। तो अभी निकलते जुमा पढ़ने के लिए। आप में से जिस जिसने जुमा पढ़ना है वो तैयारी करे जुमे के लिए। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। अच्छा यार, माशाल्लाह से धूप निकल आई है, तो ऐसे लग रहा था जैसे ना गर्मी या धूप निकलनी नहीं है, सर्दी ही रहनी है। तो माशाल्लाह से अब सूरज अपने पूरे जोबन में है और माशाल्लाह से धूप कड़ाके की निकल आई है, सर्दी तो ऐसे ख़त्म हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह इनको भी ना धूप, ये धूप के मज़े आ रहे हैं लोगों को भी, ये देखें मज़े ले रहे हैं धूप में। धूप लगने की देर है, ये देखें घर वालों ने कपड़े ना वो धूप में सुखा दिए हैं ताकि इनमें से जो भी ना वो मतलब जारी बात नमी आ जाती है कपड़ों में वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें सारे कपड़े धूप धूप ही, आपको फिर पता है धूप में तो हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाती है। तो ये देखें ना चार पाई में बिछाए हुए सारे। तो अच्छा यार ये है मेरी बाइक, इसकी जो हालत है काफ़ी गंदी इस वक्त ना, इसको वॉश करवाते हैं आज, इस पर जाएंगे इंशाल्लाह सद भाई के पास। हालत ना इसकी काफ़ी ख़राब है, अभी देखें ना ये अब ख़राब होना शुरू हो गया है, इसको जंग लगना शुरू हो गया। मैं असद भाई के दफ्तर पहुंच चुका हूं और असद भाई अभी तक दफ्तर में नहीं है, मेरा ख्याल है वो रस्ते में होंगे, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तो हम दोनों ने रब्ता किया था कि आप दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे, रस्ते में होंगे जारी बात है। तो अभी उनको कॉल करते हैं वो कहाँ रह गए। ले जी असद भाई आ चुके हैं। असद भाई कहाँ थे आप यार, कब से आपका वेट कर रहा हूँ मैं, किधर गुम हो गए थे आप? ये हैदर भाई भी लेट हुए हैं। हैदर भाई आपको लगता है ज्यादा ना वो थकावट लगा था, परे गल नहीं बोले बोले नहीं बोले बोले आप बोले चाय आ गई, चाय असद भाई की चाय वाली आ गई। ये लाएं यार चाय, ये ले ये ले चाय, ये चाय आप ही दें। यार असद भाई किधर रह गए थे आप, मैं आप मैंने इतना इंतजार किया ना आपका, अल्लाह के बंदे कब से वेट कर रहा हूँ आपका यार। आपको आपको जी जी, मैं ना असल में एक दोस्त के साथ गया था। अच्छा, लेकिन यार बहुत टाइम लगा दिया, पैसे लेने थे, पैसे वहां में बहुत देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं ऐसा बदमाश गया। अच्छा, हमने तरला में किया। अच्छा, वो इतना बेचारा शरीफ था कि हम अपने जेब से उसे पैसे दे के आए कि यार ये तुम रखो। अच्छा, खुद से दे के बजाय लेने से खुद से दे के आए आप? जी वाह वाह, हातम ताई के नस्ल साबत सकावत नाज। हाँ सकावत नाज। चले ठीक है यार, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ आपका, अल्लाह के बंदे। मैंने कहा क्या मियां साहब ने क्या क्या वादे किए हैं फिर आज? मियां साहब ने कहा कि मुझे वोट डाले, मैं हर एक को विकल लगवा के दूंगा। हाँ, आज जलसा था ना नवाज शरीफ का, यहाँ पे इतना ज्यादा रश था। अफजल भाई ऐसे चले गए, बैठे हुए थे यहाँ, वो तो दो तीन घंटे बैठे हैं फिर चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत रश था, सारे रस्ते ब्लॉक थे। मैंने कहा शायद इस वजह से आप कहीं फंस ना गए हो। चलो कोई मसला नहीं यार, इतनी जल्दी वो चले जाते हैं क्या करते हैं, बस वो उनको कोई काम था इसलिए वो निकल गए ना। गुड मॉर्निंग सबको। तो अच्छा यार अभी ना 12 बज चुके हैं, तो मैं निकल रहा हूँ घर से। मेरे एक दोस्त हैं, उनका ना फ़ोन पता नहीं गुम हो गया या चोरी हो गया, तो वो बोल रहे थे कि आओ यार इसकी ना कंप्लेन करवाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कह रहे मुझे नहीं पता कहाँ से करवाते हैं कैसे करवाते हैं। तो मैंने कहा चलो आता हूँ करवाते हैं, और फ़ोन मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कंप्लेन लाजमी करवानी चाहिए। उससे ये होगा कि आपके पास एक कम से कम एक रिसिप्ट, एक कंप्लेन रिसिप्ट होगी कि यार मेरे पास ये चीज़ है, मैंने ये करवाई थी। कभी ना कभी मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। तो फिर मिलते हैं आपको उसके पास। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई की ग्रेट। शबीर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। शबीर भाई ये फिर क्या दिखाएं, क्या मसला बना है डब्बे का? ये भाई जान मेरा मोबाइल गुम गया जनाब। अच्छा, कल ही घुमा था। अच्छा अच्छा, तो बस कंप्लेन करवाने आया था पुलिस स्टेशन में। अच्छा, तो जनाब उन्होंने बताया कि ये आपको मुतलका थाना, हाँ हाँ, में अब वो जो भी काम होता है वहाँ पर होता है। पहले इस एरिया में SSP ऑफिस में कहते थे कि डब्बा लेकर आए तो मोबाइल बंद हो जाता है, मगर इन्होंने ये
काम खत्म कर दिया मतलब अब थाने में हो रहा है सारा कुछ थाने में सारा काम तो भी जारी बात आपके फिर मुतलका थाना ही होगा मुतलका थाना होगा तो ये है जी मेरा दोस्त शबीर भाई आपने जो मेरे अपना चैनल पे मेरा सॉन्ग देखा है ना वो जो सॉन्ग डायरेक्ट किया था ना वो हम दोनों ने मिलके किया था यानी कि मेन शबीर भाई थे ये एक्टर थे हाँ मैं उसमें एक्टर किया था सारी काविश मेरी थी हाँ डायरेक्शन इन्होंने की थी क्योंकि इनके पास जब से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की ना मेरा ख्याल है चक्कर ही लगा मेरा तो मेरा चक्कर लगना था ये मौसम बेहतर नहीं हो रहा था इसलिए फिर मैं जा नहीं पा रहा था मोबाइल घुमा तो चक्कर लग गया हाँ तो बहाने के साथ मुलाकात होगी भाई ये कि अभी हमने नया मोबाइल भी लिया हाँ नया मोबाइल भी लेना वो भी लेने जाएंगे अभी यहाँ पे ऑफिस में आए थे लेकिन वो कह रहे थे अब मुतलका थाने में सारा कुछ हो गया है जो भी होता है वहीं पे होता है इमी शिमी नंबर भी वहीं पे लेते हैं लेकिन अब ये सिलसिला कार ना उन्होंने जो एसएसपी ऑपरेशन में बनाया हुआ था ना वो खत्म कर दिया फैसलाबाद में तो अभी चलते हैं शबीर भाई फिर मोबाइल लेते हैं तो अच्छा यार ये ना शबीर भाई ने ये फोन फाइनल किया है कौन सा ये है रेडमी 13C तो और भी फोन देखे हैं वीवो के भाई ने दिखाए हैं तरीके से डील भी की डील भी किया तो ये उन्होंने बताया कि यार ये अच्छा फोन है ये इसको भाई को क्या हो गया भाई वो डर गया थोड़ा सा ये अच्छा फोन है इसको लें आप चलाएं आपको फायदा होगा फुल एतमाद वाली गारंटी दी उन्होंने कहा कि कल को कोई भी मसला बनता है हम आपको पीस चेंज कर देंगे हाँ फर्ज करें आपका 2-3 माह के बाद अगर मूड बनता है क्योंकि आपने सेल करना है मार्केट में करना तो आप हमारी शॉप पे ही आ जाएं हम ले लेंगे आपसे ये कितना है 628 है चलो शबीर भाई इसकी करो फिर अनबॉक्सिंग ले जी अनबॉक्सिंग हो रहा है ये फोन तो बड़ी प्यारी है यार इसकी ब्लू शेड हाँ ये तो है हाँ सही आ रही सही नहीं अच्छा लग रहा है माशाल्लाह यार खूबसूरत यार इसका वो प्रोटेक्टर वगैरह होगा अपने इसमें होगा इसमें क्या क्या चीजें अच्छा अडाप्टर है तो ये सी टैप है उसमें कोई हैंड फ्री वाला चक्कर नहीं और हैंड फ्री उड़ा दी गई उड़ा नहीं दी इसमें पहले दिन थी नहीं वो खत्म कर दी ना कंपनी ने हाँ शबीर भाई अब ये पैसे गिनती कर रहे हैं करो ना सही तरीके ना करो ना ज्यादा ना दे देना ठीक है उधर बिल बन गया बिल बन गया जी अब हमने फ़ोन ले लिया शबीर भाई ने काफ़ी सारे फ़ोन देखे जिसमें वीवो था इनफिनिक्स था रेडमी था लेकिन ये रेडमी पसंद कर लिया तो मैंने कहा करें ये नहीं इसका तजर्बा करें कैसा ये वीवो वीवो हमने चलाया है अभी ये ना प्रोडक्ट लगाने लगे हैं इसके ऊपर ताकि ये ज़रूरी है ना ग्लास प्रोडक्ट यार इसके बाद शबीर भाई पाउच भी लेना है इसका आपने ताकि ना वो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी ठीक है शबीर भाई फिर निकलते हैं शबीर भाई ने फोन ले लिया अभी शबीर भाई जा रहे हैं ये तो इनको सीओप करते हैं ये एमआई का स्टॉल लगा हुआ यहाँ पे ना कचहरी बाजार में लिया मुनासर पे लेकिन नहीं एमआई ने हमने रेडमी लिया है भाई लेकिन रेडमी का ये भी रेडमी दिया रेडमी हाँ ये आपका रेडमी एमआई का स्टॉल है ना ठीक है सर आपको फिर बहुत बहुत मुबारक हो नया जी बहुत शुक्रिया जनाब तो पहले वाला मगर ये सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं मोबाइल रख के भूल गया जिसकी वजह से उसका मुझे हर जाना पड़ रहा है 35,000 पड़ना पड़ गया लेकिन क्या करें फिर ये हमारे दोस्त भी आ गए हमारे सेटअप पे आना पहले आए थे आपके पास फोन नहीं होगा फोन लेने के लिए आए थे हम तो सेल नहीं कर रहे हम सिर्फ गिफ्ट देंगे अच्छा इस सिलसिले में कैसे गिफ्ट देंगे मतलब आप आएंगे आपका नाम नंबर लिखेंगे और आपको गिफ्ट देंगे कीचेन का अच्छा 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 प्यारा कीचेन चलो आते हैं तो अच्छा यार फाइनली अब मैं घर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ लेकिन हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें लाइक करें और शेयर भी करें